हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम लेसन पढ़ रहे हैं आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल, और इसमें आज हम पढ़ेंगे मेंडेलीव की आवर्त सारणी। यानी यह प्राचीन आवर्त सारणी है, वर्तमान में प्रचलित नहीं है। वर्तमान में तो हेनरी मोजले की सारणी चलती है, जिसे हम दीर्घ आवर्त सारणी कहते हैं, जबकि मेंडेलीव वाली आवर्त सारणी प्राचीन आवर्त सारणी है जो वर्तमान में प्रचलित नहीं है। लेकिन हम इसे पढ़ते हैं मेंडेलीव की आवर्त सारणी। याद रखना, इस आवर्त सारणी की हम विशेषताओं का वर्णन करें, इसके बारे में लिखें, तो पहला बिंदु तो यही बनता है कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी तत्वों के परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित की गई थी। दूसरे शब्दों में यूं बोलूं, ये जो आवर्त सारणी बनाई गई, इसमें तत्व रखे गए तो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखे गए। तो तत्वों को परमाणु भार के तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। पहला बिंदु यही है कि मेंडेलीव के आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा गया। यानी पहले तत्व जो रखा गया उसका भार सबसे कम था, फिर उसके बाद दो नंबर पर रखा गया उसका भार थोड़ा सा अधिक था, तीन वाले का कुछ और ज्यादा था, और लास्ट वाले का भार सबसे ज्यादा था। इस प्रकार उनको परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया। याद रखना, वर्तमान जो आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में है। वर्तमान हेनरी मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी चल रही है वो परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में है, जबकि मेंडेलीव वाली परमाणु भार के बढ़ते क्रम में थी। तो ये बिंदु आप ध्यान में रखना। दूसरा बिंदु हम बात करें कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी में और कुछ क्षैतिज पंक्तियां थी, यानी बाएं से दाएं इस प्रकार कुछ पंक्तियां बनी हुई थी, इस प्रकार कुछ पंक्तियां बनी हुई थी। उन क्षैतिज पंक्तियों में और तत्वों को रखा गया था। जैसे मतलब मैं यूं बताऊं, जैसे बेरिलियम है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस प्रकार से ये जो क्षैतिज पंक्तियां यूं बाएं से दाएं, इनको मेंडेलीव ने आवर्त कहा। उनको क्या बोला? आवर्त कहा। और याद रखना, उस समय मेंडेलीव की आवर्त सारणी में और सात आवर्त थे। आवर्त कितने थे? आवर्त सात थे उस समय। यानी क्षैतिज पंक्तियां सात थी और क्षैतिज पंक्तियां हैं उनको आवर्त बोला जाता है। तो आवर्त सात थे मेंडेलीव की आवर्त सारणी में। और वर्ग जो ऊपर से नीचे की ओर पंक्तियां बनी होती है, वर्टिकल, ठीक है ना, ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल ऊर्ध्वाधर पंक्तियां बनी होती हैं, जैसे इसमें बना के बता रहा हूं। इस प्रकार से ये वाली ऊपर से नीचे की तरफ जो ऊर्ध्वाधर पंक्तियां होती हैं उन्हें वर्ग कहा गया। मेंडेलीव की आवर्त सारणी में उनको वर्ग बोला गया, ऊपर से नीचे वाली पंक्तियों को। और वर्गों की संख्या आठ थी। वर्ग कितने थे? वर्ग आठ थे। याद रखना, जब खोज की उस समय वर्ग आठ थे, लेकिन बाद में निष्क्रिय गैसों का और शामिल कर लिया तो निष्क्रिय गैसों के बाद वर्गों की संख्या नौ हो गई। अर्थात आठ वर्गों के अंत में निष्क्रिय गैसों को रखा गया, जिसे शून्य वर्ग नाम दिया गया। इस प्रकार कुल वर्गों की संख्या प्रारंभ में तो आठ थी और अंत में जाकर के नौ हो गई, लेकिन आवर्त सात के साथ ही बरकरार रहे। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर हम तीसरे बिंदु की बात करें। तीसरे बिंदु में ये बात करें कि जो सात आवर्त थे उन आवर्त को उन्होंने एक्सप्लेन किया और बताया कि पहले आवर्त में केवल दो तत्व रखे। पहले आवर्त में कितने तत्व रखे? सात आवर्त थे और पहले आवर्त में दो तत्व रखे, और जिसे अति लघु आवर्त कहा गया। क्या कहा गया? अति लघु आवर्त, जिसे अति लघु आवर्त कहा गया। फिर उसके बाद में दूसरे और तीसरे आवर्त में ध्यान देना, आठ आठ तत्व रखे गए। कहने का अर्थ, दूसरे आवर्त में भी आठ, तीसरे आवर्त में भी आठ आठ तत्व रखे गए और लघु आवर्त कहा गया। पहले वाला अति लघु आवर्त दो वाला और आठ आठ वाले लघु आवर्त कहलाए। आठ आठ वाले लघु आवर्त, याद रखना है, सबसे पहले वाले में दो ही थे तो अति लघु आवर्त कहलाया, जिनमें आठ आठ थे वो लघु आवर्त कहलाए। फिर उसके बाद में आप याद रखना,
चौथा और जो पांचवा वर्ग है उसमें 18-18 एलिमेंट रखे गए, 18-18, और इसे दीर्घ आवर्त कहा गया। इसे क्या कहा गया? दीर्घ आवर्त, यानी दोनों को, चौथे में भी 18 एलिमेंट, पांचवे में भी 18 एलिमेंट, और दोनों को दीर्घ आवर्त कहा गया। चौथा भी दीर्घ आवर्त, पांचवा भी दीर्घ आवर्त था। इसके बाद में याद रखना, केवल जो आपके छठा आवर्त आया, छठा आवर्त आया उसमें 32 तत्व रखे गए। छठा आवर्त है उसमें 32 तत्व रखे गए, और छठे आवर्त को अति दीर्घ आवर्त कहा गया। क्या कहा गया? अति दीर्घ आवर्त कहा गया, अति दीर्घ आवर्त कहा गया। और याद रखना, अंत में फिर एक सातवां आवर्त और बनाया गया, अंत में एक सातवां आवर्त और बनाया गया जिसमें कि नए खोजे जाने वाले तत्वों को रखा। तो सातवां आवर्त है उसको खाली रखा गया, सातवें आवर्त को खाली रखा गया, और संभावना व्यक्त की कि जो तत्व नए खोजे जाएंगे उन्हें सातवें आवर्त में रखा जाएगा। इस प्रकार से थोड़ी बातें आप ध्यान में रखना। और फिर मैं बात करूं वर्गों की, तो वर्ग याद रखना, टोटल वर्ग 9 थे, लेकिन प्रारंभ में तो 8 ही वर्ग थे, 8 वर्ग थे। तो 1 से लेकर के और 8 वर्ग रोमन संख्या में लिखे गए, 1 से 8 वर्ग हैं उनको रोमन संख्या में लिखा गया, 1 से 8 वर्ग रोमन संख्या में लिखे गए। लेकिन याद रखना, 1 से लेकर के जो 7 वर्ग थे उनको ए और बी दो भागों में बांटा गया, ए और बी उपवर्गों में बांटा गया, यानी टोटल 1 से लेकर 8 तक रोमन संख्या में वर्ग दर्शाए गए। और जिनमें पहले से लेकर के और सातवें वर्ग तक तो प्रत्येक वर्ग को ए बी ए बी ए बी में बांटा गया, प्रत्येक वर्ग को 7 तक तो, लेकिन 8वां वर्ग है इसे डिवाइड नहीं किया गया, यह भी आपको ध्यान में रखना है। और फिर इन वर्गों में याद रखना, जो सोडियम से लेकर के क्लोरीन तक, सोडियम याद रखना आवर्त सारणी में वर्तमान में तो 11 नंबर पर आता है, वर्तमान आवर्त सारणी में 11 नंबर पर आता है, और क्लोरीन वर्तमान आवर्त सारणी में आप याद रखना 17 नंबर पर आता है। तो सोडियम से लेकर के और क्लोरीन तक के तत्वों को मेंडेलियन की आवर्त सारणी में प्रतिनिधि तत्व कहा गया। क्या कहा गया? प्रतिनिधि तत्व कहा गया। यह बात आपको ध्यान रखनी है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया है कि मेंडेलियन की आवर्त सारणी में सोडियम से लेकर के क्लोरीन तक के तत्वों को क्या नाम दिया गया था? तो सोडियम से लेकर क्लोरीन तक के तत्वों को मेंडेलियन की आवर्त सारणी में प्रतिनिधि तत्व कहा गया था, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा गया था। ये सामान्य सी बातें हैं, इनके बारे में आपको याद रखनी है। तो कुछ दोष थे उनको हम पढ़ते हैं इस सारणी में। पहला दोष था हेडिंग के रूप में हाइड्रोजन की स्थिति, यानी हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था, तो हाइड्रोजन की जो पोजीशन है उसके बारे में मेंडेलियन कुछ नहीं बता पाया। मेंडेलियन ने क्या किया कि एक बार तो हाइड्रोजन को क्षार धातुओं के साथ रखा, क्षार धातुएं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, ये क्षार धातुएं होती हैं। तो एक बार तो हाइड्रोजन को और मेंडेलियन ने क्षार धातुओं के साथ रखा, यहां इस स्थान पर सबसे ऊपर इस वर्ग में ही, और जिसे कहा गया फर्स्ट ए वर्ग। क्या कहा गया? फर्स्ट ए वर्ग कहा गया, क्षार धातुओं के साथ रखा गया। और फिर उठा करके और याद रखना सातवें आवर्त में रख दिया, सातवें ए आवर्त में, यानी सातवें ए आवर्त में रख दिया, और जिसे कहा गया हेलोजन वर्ग। क्या कहा गया? हेलोजन वर्ग। और हेलोजन वर्ग कहा गया इस प्रकार से ऊपर से नीचे की तरफ, जिसमें फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड शामिल थे। ये तो हेलोजन है, और हेलोजन वो होते हैं जो धातुओं के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं। तो ये धातुओं के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं, और फिर यहां इनके ऊपर हाइड्रोजन को रख दिया। तो हाइड्रोजन तो याद रखना गैसीय तत्व है, जबकि ये हेलोजन है, और ये क्षार धातुएं हैं, जबकि हाइड्रोजन एक गैसीय तत्व है। तो यहां भी एडजस्ट नहीं हो रहा था, यहां भी एडजस्ट नहीं हो रहा था। तो आवर्त सारणी में
हाइड्रोजन की स्थिति है उसको निर्धारित नहीं कर पाए मेंडेलीव महोदय। इस प्रकार से ये हाइड्रोजन की स्थिति को बताने में और असफल रहे। उसके बाद में फिर हम बात कर लेते हैं दो नंबर दोष की, परमाणु भार के आरोही क्रम में विसंगति, यानी आरोही क्रम है वो परमाणु भार का जो आरोही क्रम था, अर्थात मेंडेलीव ने हमें बताया कि आवेश सारणी में तत्व परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखे गए हैं, लेकिन परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखे गए मान लेते हैं हम ये बात, लेकिन कुछ तत्व ऐसे थे बीच बीच में जो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में नहीं थे, ठीक है ना, यानी जिसका परमाणु भार कम है वो पहले, जिसका ज्यादा है वो बाद में आना चाहिए, लेकिन कुछ तत्व ऐसे थे जिनका परमाणु भार ज्यादा था उनको पहले रखा और कम वाले उनको बाद में रखा, तो फिर वो ऑर्डर है वो सही नहीं रहा, तो परमाणु भार के आरोही क्रम में विसंगति आ गई। जिस प्रकार मैं बताता हूं कौन कौन से ऐसे युग्म थे, जैसे आर्गन और पोटेशियम है, इसमें ध्यान देना इस युग्म में और विसंगति थी, कहने का अर्थ कि उल्टा होना चाहिए कि पोटेशियम तो पहले आता आर्गन बाद में आती तो अच्छा रहता, लेकिन मेंडेलीव ने क्या किया आर्गन को पहले रखा पोटेशियम को बाद में रखा, जबकि आर्गन का परमाणु भार देखो मैं एक्चुअल में 39.94 होता है और इसका 39.910 होता है, तो ये तो 39.10 पोटेशियम तो और इसका आर्गन का 39.94 तो ये बड़ा है आर्गन बड़ा है तो आर्गन इधर होना चाहिए, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा तो आर्गन का स्थान इधर होना चाहिए पोटेशियम का इधर होता, जबकि ये विसंगति इस प्रकार से पाई गई कि आर्गन को पहले रख रखा था पोटेशियम को बाद में रखा था, तो ये विसंगति थी, एक विसंगति यानी एक युग्म ये था आर्गन और पोटेशियम का युग्म गलत रखा हुआ था। और इसी प्रकार एक होता है थोरियम टीएच बोलते हैं थोरियम और पीए प्रोटेक्टिनियम, थोरियम और प्रोटेक्टिनियम में याद रखना प्रोटेक्टिनियम को तो इधर आना था थोरियम को उधर रखना था तो क्रम सही बनता, लेकिन क्रम गलत रखा हुआ था। इसी प्रकार टेल्यूरियम और आयोडीन, ये मैं दो दो के युग्म बता रहा हूं, दो दो के युग्म हैं जिनको आगे पीछे रखना था तब सही बनता, ये क्रम मेंडेलीव की सारणी में रखा है जो कि गलत क्रम है, इसी क्रम में रखा है टेल्यूरियम और आयोडीन को रखा ये गलत क्रम है, आयोडीन आई इधर आती टेल्यूरियम बाद में आता तो क्रम सही होता, टीई टेल्यूरियम होता है आई आयोडीन होता है इस प्रकार से। और एक कोबाल्ट के साथ निकल याद रखना कोबाल्ट इधर आता निकल इधर आता तो विसंगति नहीं होती क्रम सही होता, अब इस प्रकार रखा तो ये आरोही क्रम में विसंगति आ गई थी, तो याद रखना ये दो दो युग्म थे, एक दो तीन और चार युग्म थे, चार पेयर थे बने हुए और चार पेयर में कितने आठ एलिमेंट जो कि युग्म के हिसाब से आगे पीछे आएंगे, तो इनको याद रखना ये एक प्रकार से और विसंगति थी। इन्हें याद रखने के लिए आप एक सामान्य सा जैसे रख सकते हो कि कौन कौन से परीक्षा में पूछा जा सकता है कि परमाणु भार के आरोही क्रम में जो विसंगति थी उनमें कौन कौन से युग्म थे, तो आर्गन का पोटेशियम के साथ युग्म था, थोरियम का प्रोटेक्टिनियम के साथ युग्म था, टेल्यूरियम का आयोडीन के साथ युग्म था, कोबाल्ट का निकल के साथ युग्म था, और आप इनको जब याद रखो तो इस प्रकार से आप थोड़ा यूं याद कर लेना, याद रखने का तरीका बता रहा हूं और कुछ नहीं है, ठीक है ना, बस याद रख लेना, याद किसी भी तरीके से आप याद करो, इनको ट्रिक से ही याद रखा जाता है, ऐसे ये याद करना संभव नहीं हो पाते, तो यहां एक ट्रिक बना रहा हूं आपके सामने, थोड़ा उसको नोट कर लेना बस, और इसी से आपको याद हो जाएगा, इस ट्रिक से याद हो जाएगा और आप याद कर लेना कि आमिर खान ठंडा पेप्सी तेरी इच्छा कौन है, इस प्रकार से आप इसको थोड़ा याद कर लेना, आर्गन का पोटेशियम के साथ, थोरियम का प्रोटेक्टिनियम के साथ, टेल्यूरियम का आयोडीन के साथ और कोबाल्ट का निकल के साथ पेयर बना हुआ है, ये पेयर आपको इसी क्रम में याद रखने हैं, ठीक है ना, तो ये परमाणु भार के क्रम में विसंगति पाई गई। तीसरा बिंदु हम भार ज्ञात कर लेते हैं कि तीसरा बिंदु था
समान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग वर्गों में रख दिया, ठीक है ना। तो समान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग वर्गों में रखा, समान गुणों वाले तत्वों को और तत्वों को भिन्न भिन्न वर्गों में रखा, भिन्न भिन्न वर्गों में रखा, वर्गों में रखा जो कि विसंगति थी, भिन्न भिन्न वर्गों में रखा। तो याद रखना, समान गुणों वाले तत्व हैं उनको नियमानुसार तो समान वर्ग में रखना था, लेकिन समान गुणों वाले तत्व उनको भिन्न भिन्न वर्गों में रख दिया, तो ये एक कमी थी। और वो जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे कॉपर है, एजी है, एयू है, और आपके मरकरी एचजी, ये कुछ ऐसे तत्व हैं जिनके गुणों में समानता होती है। ये कॉपर है, ये चांदी है, ये एयू ओरम सोने को बोलते हैं, गोल्ड, गोल्ड सोना, इसका एयू ओरम लैटिन नाम ओरम बोलते हैं हम लोग यहां। एचजी मर्क्यूरी है, पारा है, तो इनके गुण समान है, इनको एक ही वर्ग में रखना चाहिए था, लेकिन इनको तो अलग अलग वर्गों में रखा गया था। तो समान गुणों वाले तत्वों को अलग अलग वर्गों में रखा गया, तो ये भी उनके और एक प्रकार से आवर्त सारणी का दोष है। तो ये सामान्य आपको दोष याद रखना।